बहना मैं सब्जी लेके आया हूँ। तो सब्जी मैं लेके आई हूँ। अच्छा मैं जरा पानी पी के आया। हमारे घर कितना सामान पड़ा है। उमर के अबू लॉकडाउन की वजह से काम पे भी नहीं जा सकते। क्यों ना हम कुछ सामान उनको ही दे दें। अभी भैया से मशवरा करती हूँ। भैया जी अर्षा इधर आना। जी, क्या बात है? भैया मैं आपको ये कह रही थी कि अल्लाह ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। अगर ये हमारे पड़ोस जो है, हमारा दोस्त उमर, उनके अब्बू लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जाते, क्यों ना हम कुछ सामान उनको ही दे तुम्हारी बहुत बहुत अच्छी सोच है मेरी बहन। तुमसे मेरी यही उम्मीद थी। तो चलिए चलिए हम चलते हैं और उनके घर भी कुछ सौदा दे आते हैं। तो दें। चलिए चलिए। मैं दरवाजा खोलूं। तो ये उमर भाई आपके लिए कुछ सामान लेके आए थे। हाय पता चला कि आपके पापा लॉकडाउन की वजह से बाहर काम पे नहीं जा सकते, इसलिए हम आपके लिए कुछ सौदा वगैरह लेके आए हैं। भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस वक्त पे हमें याद रखा। ये भी अपने अबू को दे देना। तो ये कुछ पैसे ही अपने अब्बू को दे देना। कुछ चीजों की जरूरत हो तो ले लेना। फिर भाई आपने तस्वीर नहीं बनानी, अब तक जो भी राशन दे के आया वो तस्वीर बना के आ गया। जी, वो तो मैं बस कर ही वाला था। ये दिनों से ज्यादा जरूरी तो तस्वीर खींचना था। मैंने फेसबुक पे देनी है, फेसबुक पे पोस्ट मैंने देनी है। तो ये जरा ये जरा इस तरह पकड़ो और ये जरा इस तरह। मन सल्ला युराई फकद अशरका, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। व मन साम युराई फकद अशरका, और जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया। व मन तसद्दका युराई फकद अशरका, और जिसने दिखावे के लिए सदका दिया उसने शिर्क किया। हमें तो पता नहीं था हमसे गलती हो गई। ये तो बड़ा बहुत बड़ा गुनाह है भाई, हमें माफ कर दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, मा तुन्फिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ليس عليك هداهم, आपके जिम्मे नहीं है इनकी उनकी हिदायत। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह हिदायत देता है जिसको चाहे। वमा तुनफिकु मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम, और जो कुछ भी अच्छा माल तुम खर्च करते हो तो वो तुम्हारे ही लिए है।
उसमें तुम्हारी ही भलाई है। वमा तुन्फिकून इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह, मगर अल्लाह की रजा के लिए, यानी कि जो माल तुम खर्च करते हो और तुम नहीं खर्च करते मगर अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हो। वमा तुन्फिकु मिन खैरिन, और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे अच्छा माल, वो पूरा पूरा तुम्हें दे दिया जाएगा। व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम पर जुलम ना किया जाएगा। लिल फुकरा इल्लज़ीना उहसिरु फी सबीलिल्लाह, सदकात फुकरा यानी फकीर के लिए है जो अल्लाह की राह में रुके हुए हैं। ला यस्ततिउना ज़र्बन, जो चल फिर नहीं सकते। फिल अर्ज़, ज़मीन में, यानी वो ज़मीन में चल फिर नहीं सकते। يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ, और उनके सवाल ना करने के सबब जो अनजान लोग होते हैं, जो बेखबर होते हैं, वो उन्हें अमीर यानी के मालदार समझते हैं। تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ, आप उन्हें पहचानेंगे उनकी पेशानियों से, यानी कि अगर उनके दिल में सुकून ना हो, बेचैनी हो, तो उस परेशानी के असरात उनके उनके यहाँ पे यानी कि पेशानी पे नजर आएंगे, उस परेशानी के असरात। ला यसअलूनन नासा इल्हाफा, वो लोग लिपट कर आप लोगों से सवाल नहीं करते। वमा तुन्फिकू मिन खैरिन फइन्नल्लाह बिही अलीम, और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे अच्छा माल जो खर्च करोगे, सो अल्लाह इसको जानने वाला है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, उसके अंदर अल्लाह ताला ने इन आयात में तकरीबन 7 नसीहतें की हैं। यानी कि पहली नसीहत ये, जो भी माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हारे लिए, यानी कि उसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसमें तुम्हारी ही भलाई है। वो तुम खर्च करोगे तो अल्लाह उसका दुगना चुगना तुम्हें अता करेगा। यानी इस आयत का मकसद ये कि जो भी तुम अच्छा माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करोगे उसका तुम्हारा अपना ही फ़ायदा है। नंबर दो पे ये है, यानी खर्च सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, यानी कि जो माल भी अल्लाह की राह में खर्च करें, जो भी, वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खर्च करें। उसमें कोई दिखलावा या कोई दिखावा नहीं होना चाहिए उसके अंदर, वरना वो रियाकारी में शामिल हो जाएगा, और रियाकारी बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत सख्त वईद की गई है उसे। तो नंबर तीन पे हमारे पास है, तो यानी कि जब तुम अल्लाह की राह में जो भी खर्च करोगे, जो भी अल्लाह के बंदों पे अल्लाह की राह में खर्च करोगे, वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा क़यामत के दिन, और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो नंबर चार पे हमारे पास जो नसीहत है वो ये है, और यानी कि जो लोग फकीर हैं और वो अल्लाह के रास्ते में, और वो चल फिर नहीं सकते, ज़मीन में चल फिर नहीं सकते, तो उनको तुम दो और उन पर तुम खर्च करो। यानी कि आजकल जो लॉकडाउन हुआ पड़ा है कोरोना वायरस की वजह से, तो उसके अंदर सफ़र नहीं कर सकते, कोई कारोबार बंद है, और बेरोज़गार यानी कि सफ़र भी नहीं कर सकते और कारोबार भी बंद है, तो वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, और आमदनी के लिए उनके पास कोई और ज़रिया नहीं है, तो उन पर तुम खर्च करो। तो यह सबहुमुल जाहिलु अग्निया मेरा तौफ, और ऐसे लोग शर्मिंदा होने की वजह से किसी से सवाल नहीं करते। तो जो अनजान लोग होते हैं, जो उसे बेखबर होते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये मालदार यानी कि अमीर हैं। तो तारीफ, ये पांचवा नंबर मैंने आपको बताया, पांचवी नसीहत। तो अब छठी नसीहत मैं आपको बताता हूँ। तो तारीफुहुम बिसीमाहुम, इसका मतलब ये कि आप उन्हें इस तरह पहचानेंगे, उनको उनके पेशानियों से पहचानेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, यानी कि अगर उनके दिल को सुकून नहीं होगा, आजकल लॉकडाउन की वजह से किसी के पास पैसे नहीं है, कारोबार नहीं है, तो पैसे भी नहीं है, घर का किराया नहीं दे सकते, बच्चे भूखे हैं, और राशन के लिए पैसे नहीं है, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, तो इसलिए उनके दिल में सुकून नहीं होगा और वो बेचैन होंगे। तो उनकी परेशानी के असरात, उस परेशानी के असरात उनके पेशानी पे, उनके पेशारात नजर आएंगे असरात उनके। तो वो लोग लिपट लिपट कर, झपट कर आपसे सवाल नहीं करते। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सातवीं नसीहत है, यानी कि वो आपके, वो आपसे निपट कर और झपट कर आपसे सवाल नहीं करते।
और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे अच्छा माल जो कुछ भी तुम उनको दोगे उन पे खर्च करोगे सो अल्लाह इसको जानने वाला है। तो इसीलिए घर घर पे जाओ और उन पे खर्च करो, अल्लाह अल्लाह तुम्हें 10 से लेकर 700 तक दुगना चुगना अता करेगा, यानी कि अल्लाह तुम्हें 10 से लेकर 700 तक दुगना चुगना अता करेगा और आखिरत में भी इससे बढ़कर नेमतें अता करेगा। यानी कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 1 रुपया खर्च किया तो अल्लाह ताला उसे 1 से लेके 700 तक या 10 से लेके 700 तक दुगना चुगना अता करेंगे और आखिरत में बेशुमार नेमतें अता करेंगे। यानी कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 1 रुपया खर्च किया तो अल्लाह ताला उसे 1 से लेके 700 तक या 10 से लेके 700 तक दुगना चुगना अता करेंगे और आखिरत में बेशुमार नेमतें अता करेंगे। मोहतरम व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि पूरा मुल्क लॉकडाउन की वजह से महसूर और महबूस होकर रह गया है। अक्सर लोग मकान का किराया और राशन के लिए परेशान हैं और वो शर्म के मारे किसी से मांगते भी नहीं हैं। तो ऐसे लोगों पे बुरा वक्त आया है, लोग फाका कशी और खुदकुशी पे मजबूर हैं। इसलिए साहिब इस्तेताअत यानी कि स्टॉकिस्ट लोगों के इम्तिहान का वक्त आ चुका है कि वो अल्लाह की रास्ते में कितना खर्च करते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों को इसीलिए जो स्टॉकिस्ट है वो जाए और ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनको चुन चुन कर उनके अंदर माल तकसीम करें और उन और जितना हो सके उनकी मदद करें। सो व्यूअर्स, एज यू नो दैट द होल कंट्री इज अफेक्टेड विद लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना वायरस। Poor people have no money for food and poor people have no even money for their medicines. So it is the time of test of stockists for the to help the poor people. It is the time to test the stockists to help the poor people. As it is a test of them, so the stockists should help the poor people in this danger.